हेलो एवरीवन, मैं राकेश प्रजापत। आज आप सबके लिए एक नई स्टाफ नर्स वैकेंसी लेके आ गया हूँ, जिसकी जॉब लोकेशन न्यू दिल्ली होने वाली है। भर्ती की पूरी जानकारी लेने के लिए वीडियो में शुरू से एंड तक बने रहना, वीडियो को कहीं भी स्किप नहीं करना है। सभी नर्सिंग के फ्रेंड्स सर्कल को शेयर जरूर कर देना है। चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके पास मेरा बेल आइकन दबा दिए, ताकि नर्सिंग ट्रेंड के आगे आने वाली अपडेट को आप कभी भी मिस नहीं करोगे। तो फ्रेंड्स, वैकेंसी को निकाला है लेडी हार्डिंग्स मेडिकल कॉलेज एंड एसोसिएट हॉस्पिटल्स ने। तो सबसे पहले आपको लेडी हार्डिंग्स मेडिकल कॉलेज की ऑफिशियल साइट ओपन कर लेनी है। साइट आपको नहीं पता, फेसबुक पेज नर्सिंग ट्रेंड्स पे मैंने साइट का लिंक दे दिया है। उस लिंक पे क्लिक करते ही सीधे इस होम पेज पे पहुंच जाओगे। अब यहाँ पे कुछ लोग पूछते हैं कि आप YouTube पे लिंक क्यों नहीं देते हो। तो गाइज, पहले मैं YouTube पे सभी वैकेंसी का लिंक देता था, लेकिन इनवैलिड एक्टिविटी की वजह से अब YouTube पे मैं लिंक नहीं दे सकता हूँ। तो मैं फेसबुक पेज नर्सिंग ट्रेंड्स पे देता हूँ, आप उसको लाइक और फॉलो करें, और जो लिंक देता हूँ उस पर क्लिक करके सीधे आप नोटिफिकेशन पे पहुंच सकते हैं। जैसे ही उस लिंक पे क्लिक करोगे, इस साइट पे आप पहुंच जाओगे। साइट को थोड़ा नीचे स्क्रॉल करना है, आपके सामने यहाँ पे एक नोटिफिकेशन दिखाई जाएगा, वैकेंसी नोटिस फॉर प्योरली कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पोस्ट ऑफ स्टाफ नर्स इन डिपार्टमेंट ऑफ नियोनेटोलॉजी, यानी लेडी हार्डिंग्स मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल है उसका जो नियोनेटोलॉजी डिपार्टमेंट है, उसमें कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे ये वैकेंसी निकली है। प्योरली कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे है, कितने साल की वैकेंसी है वो भी अपने आगे बात करने वाले हैं। जॉब लोकेशन न्यू दिल्ली है, इसलिए ये वीडियो अगर आपको सूचित करना जरूरी है। तो नोटिफिकेशन आ गया है, रिसर्च एंड प्रोजेक्ट्स कमिटी है लेडी हार्डिंग्स मेडिकल कॉलेज एंड एसोसिएट हॉस्पिटल न्यू दिल्ली की, उसने ये वैकेंसी निकाली है और प्योरली कॉन्ट्रेक्चुअल पेड पे होने वाली है। एज लिमिट यहाँ पे 30 ईयर्स की कैंडिडेट्स है वो अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट है स्टाफ नर्स की, एक ही पोस्ट है। तो आप ये मत कहना कि एक पोस्ट के लिए ही वीडियो क्यों बना दिया, क्योंकि काफ़ी कैंडिडेट्स मुझसे रिक्वायरमेंट करते हैं कि सर आप चाहे एक पोस्ट हो चाहे 1000 पोस्ट हो, वीडियो बनाकर सूचित जरूर करें। तो जिन लोगों को इस वीडियो को आगे देखना है वो देखते रहे, और जिन लोगों को एक पोस्ट में अप्लाई करना पसंद नहीं है वीडियो को स्किप कर सकते हैं। अब सैलरी यहाँ पे मिलेगी 31,500 रुपये पर मंथ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं मिलने वाला है। बीएससी नर्सिंग के कैंडिडेट्स ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जीएनएम का ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिया, बिल्कुल मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। उसके बाद में वो कैंडिडेट्स यहाँ पे प्रेफरेंस दी जाएगी जिनके पास एक साल का एक्सपीरियंस हो, और क्लिनिकल ट्रायल में जिनके पास एक्सपीरियंस हो तो उनको यहाँ पे ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी। हालांकि आपका जो सिलेक्शन है वो वॉक इन इंटरव्यू से किया जाएगा, और अगर ज़्यादा कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं तो आपका रिटन टेस्ट भी हो सकता है। तो आपका यहाँ पे जो सैंपल कलेक्शन है, स्टोरेज है, वही काम रहने वाला है। इसके अलावा यहाँ पे लिखा है कि ट्यून्योर आपका एक साल तक रहेगा, जो कि आपकी वर्क परफॉर्मेंस में के आधार पर 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है। प्लेस आपका वर्क प्लेस रहेगा डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोलॉजी लेडी हार्डिंग्स मेडिकल कॉलेज न्यू दिल्ली में आपकी जॉब लोकेशन रहेगी। आपको यहाँ पे नीचे एप्लीकेशन का एक फॉर्मेट दिया गया है, इस फॉर्मेट को फुल्ली फिलअप करना है। उसके बाद में साथ में आपको एक CV भी बनाना है, और सभी जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको आपको अटैच करना है। आपका वर्क एक्सपीरियंस कहीं पे है तो उसको भी साथ में आपको सेल्फ अटेस्टेड करना है, और सबकी PDF बनाकर आपको 7 नवंबर 2020 दोपहर 12 बजे तक घेरे में जो मेल आईडी दिखाई दे रही है इस मेल आईडी पर सेंड कर देना है। साथ में सारे जो रिलेवेंट्स डॉक्यूमेंट है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन के, एक्सपीरियंस के, वो अटैच जरूर करने हैं। उसके बाद में आपको वॉक इन इंटरव्यू के लिए आपका जो कम्युनिकेशन मोबाइल नंबर या ईमेल एड्रेस होगा उस पर सूचना दे दी जाएगी, और आपके अगर ज़्यादा कैंडिडेट्स होते हैं तो रिटन टेस्ट भी किया जाएगा। यहाँ पर लिखा गया है कि नेसेसरी अगर होगा तो रिटन टेस्ट किया जाएगा, वरना वॉक इन इंटरव्यू से आपका सिलेक्शन किया जाएगा। 18 नवंबर 2020 को इसकी साइट पर पूरी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी कि आपको क्या करना है, आगे इंटरव्यू के लिए आना है, रिटन टेस्ट के लेने आना है, या आप शॉर्ट लिस्टेड हुए हो या नहीं हुए हो। तो पूरी इंफॉर्मेशन इसी साइट पे आने वाली है। और इसके अलावा अगर आप साइट पे इंफॉर्मेशन नहीं लेना चाहते हैं तो फेसबुक पेज नर्सिंग ट्रेंड्स पे या यूट्यूब चैनल नर्सिंग ट्रेंड्स पे बने रहे, लाइक और फॉलो करें, चैनल को सब्सक्राइब करके पास मेरा बेल आइकन दबा दें। मैं पूरी अपडेट आपको सभी वैकेंसी के बारे में अवेलेबल करवाता रहता हूँ। जल्दी आ जाता हूँ नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक स्वस्थ रहे, मस्त रहे। थैंक यू फ्रेंड्स।